सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बता दी जाए कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने चारकोल स्टिक और कोयले के ऊपर बात की है, दोनों की शेडिंग किस तरीके से होती है, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, हर एक चीज़ के बारे में बात हुई है। तो वो वीडियो आप लोग देखिएगा, एंड में आप लोग को मिल जाएगी। और रही बात इस वीडियो की, तो इसमें हम लोग ने सेम टेक्निक यूज़ किया है, मीन्स कोयले से हम लोग ने इसमें शेडिंग की है। और जो डार्क पोर्शन है उसके लिए हम लोग ने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि कोयले से दो बार शेडिंग मीन्स डार्क पोर्शन नहीं आ सकता है, उस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग डार्क पोर्शन करना चाहेंगे तो जो पाउडर का कण होता है वो काफ़ी मोटा होता है और पेपर के टेक्सचर में सही से फिल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप लोग अगर उस पर बार बार ब्रश का यूज़ करेंगे तो वो हट सकता है, इसलिए हम लोग चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। और रही बात मिक्सिंग की, इरेज़र की, हर चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से हो रही है, कहीं कोई चीज़ फंस नहीं रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो पाउडर होता है काफ़ी महंगा होता है चारकोल पाउडर, और कई लोग ख़रीद सकते हैं कई लोग नहीं ख़रीद सकते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ निकाली गई है। अगर आप लोग को अच्छा लगे ये तो आप लोग अपने आर्ट वर्क में यूज़ करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, नॉलेज की चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट करिए, लाइक करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, इंजॉय करिए और टेक्निक सीखिए किस तरीके से होती है अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो, और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी।
है।